हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे भाई। तो आज मैं जिस जगह आपको लेके आया हूँ वो एक अमेजिंग जगह है जहाँ मैं आज तक नहीं आया। एक्चुअली मेरा ही फर्स्ट टाइम मैं किसी की वीडियो देख के आया था। म्यूजिंग काफ़ी अच्छा लगा और उसका ट्रैक भी, रेलवे ट्रैक भी काफ़ी अच्छा था रेलवे स्टेशन तक। तो वो सब चीज़ें आज मैं आपको महसूस करवाऊंगा, अनुभव करवाऊंगा। और जो ये मौसम है काफ़ी मस्त है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी से। तो गाइस, सबसे अच्छी बात ये है कि जो ये हमारी आज की लोकेशन है, व्लॉग की लोकेशन, वो बिल्कुल पुराने बस स्टैंड के पास ही है, जो कि शिमला का पुराना बस स्टैंड है। और हमारी लोकेशन मेरे सामने ही है बिल्कुल, जिसका नाम है बाबा बालकुनाथ रेल म्यूजियम। तो आज मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ। यो जो इंजन जैसा दिखने लग रहा है ना, यही गेट है। देखो ये कहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। वो गेट बंद हो गया। अच्छा, ये रेल का डब्बा जैसा बना रखा है। देखियो गेट ही कितना मस्त है इसका। तो मैंने ऐसा टाइम से निकल के फर्स्ट टाइम आया ना आप यहाँ पे। मैंने तो देखा ही नहीं। मैं पता है कितनी बार आया यहाँ पे वीडियो बनाने खातर, लेकिन मैंने कोई गेट ही ना पाया। मैं कहा अंदर कैसे जाऊँ। नीचे है। हाँ नीचे है। अच्छी एंट्री थी। ये गेट था। इसका म्यूजियम का नाम है बाबा बलकू रेल संग्रहालय, रेल म्यूजियम। और काफी अच्छी चित्रकारी बना रखी है भाई। दिल खुश हो जाऊंगा यहाँ पे आओगे तो। एंट्री में ही मजा आ गया। बाकी ये म्यूजियम तो छोटा सा ही है, म्यूजियम ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये जो नजारे हैं ना, ये बॉर्डर जैसा लगा है, जैसे तो पिछला पाकिस्तान है वो इंडिया है ऐसा लगे। तो इनकी याद में इनकी प्रतिमा बनाई गई है। ये है बाबा बलकुनाथ और इनके नाम पर इस म्यूजियम का नाम रखा गया भाई। मजा आ रहा है। तो ये कुछ बाहर का नज़ारा है इस म्यूजियम का। और ये अंदर एक छोटा सा म्यूजियम है, छोटा सा कमरा है, और उसमें अभी एंट्री करेंगे। तो एक चीज़ बता दूँ मैं आपको कि यहाँ पे फोटो वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन फोटो खींच सकते हैं म्यूजियम के अंदर। साढ़े चार बजे पूरा बंद हो जाता है ना। और इसकी सुबह कितने बजे खुलता है ये तो खुला ही रहता हुआ है ना, बस ये म्यूजियम के लिए। अच्छा, वो रेल के डब्बे को लोग लग जाते हैं। अच्छा, इस एरिया के अंदर ही नहीं आ सकते। चलो फिर अंदर चलते हैं। आपको पता है जो सुरंग है, ये सिर्फ सुरंग ना दिखा रखी ऐसे,
सुरंग दिखाओ आप मन्ने के दिखाओ हाँ। जो इसी से लगा रखे ना तो उस हिस्सा हमीर रहे तो जब भी सुरंग बना करती पहले लाइट लूट तो रहना करती और सुरंग थी बहुत पुरानी पुरानी तो ये जो मिरर है ना इसके थ्रू रिफ्लेक्ट होकर रोशनी अंदर सुरंग में जाएगा अब गौर से दिखाइए तो यो था भाई इसका और एक वो देखो सबसे पुराना घंटा कितना बड़ा घंटा रहा तो गाइस फिलहाल हम आ चुके हैं बाहर तो ये जो पटरी देख रहे हो आप तो यहाँ पे कभी कभी ट्रेन आती है फिर वो गेट है ना वो गेट खुल जाता है उस ट्रेन के लिए फिर वहाँ पे स्टेशन है तो यहाँ तक आती थी पहले टाइम में ट्रेन अब इसको म्यूजियम बना दिया गया है पूरा वहाँ पे एंड हो जाओ उसका तो ये पटरी भी देख सको आप जर चुकी है कितनी पुरानी पुरानी यहाँ पूरा बराबर कर दिया गया है इसको तो फिलहाल गेट खोलेंगे भाई साहब हमारे लिए और फिर हम यहीं से फिर जाएंगे आप यह जाते झूला झूलन लग जाए इन्हें कितने दिख जाए झूला तो भी ये इंडिया पाकिस्तान का गेट खुलने वाला है अब बाप का इंजन देखने जान लग रहा है तो दूर इंजन सारे ही धुंध धुंध हो गई पहले वो डब्बा देख ले वहां जो सामने और के खड़ा है डब्बा ही तो है वो गार्ड का है वो इसमें तो खाली है बंद है वो अंदर से लोग हैं इस डब्बे का साइज है ना बस जितना है बल्कि बस भी इस तब डी पाओगी नहीं नहीं हाँ ये खोल गया एक मिनट लोग हैं नीचे लोग हैं हाँ ताला लग रहा भाई ए यार मैंने सोचू था इन डब्बे में बैठेंगे आगे तो ऐसा लग रहा है कि बादल हैं और हम हैं ना थोड़ी देर बाद बादलों में पाओगे हाँ और अन्नी क्या हाल चाल है अन्नी की मजी लग रही ठीक है कितु कितना पक्का पहाड़ है ना चढ़ सकते हैं फिर यहाँ पे ऐसा भी ना है कि वो पहाड़ गिर जाएगा तो पर एक चीज देखी लैंडस्लाइडिंग होने लग रही है ट्रेन ने बिल्कुल कुछ नुकसान नहीं क्योंकि जो ट्रैक है ना वो इतने मस्त बना रखे हैं भाई एक चीज है अंग्रेजन जो चीज बनाई ना वो सॉलिड बनाई ओ भाई यो देखियो आप पक्का पहाड़ का होते पक्का पहाड़ का देखो क्या हाल कर दिया नहीं मेरे को नहीं किसी एंगल से लग रहा है टूटा हुआ है मन तो लगे नहीं फिर हाँ यार ये पत्थर भी स्त्री जचा रखे हैं हाँ कुछ बनाने के लिए निकाले गए होंगे भाई पत्थर बंदर है सामने रेल का इंतजार करता हुआ छीड़ देखो कितनी ज्यादा है ना हालांकि वो टाइम है ना कोई ट्रेन का इस वजह से ना है अभी ट्रेन का टाइम नहीं है ना हाँ जब ट्रेन का टाइम होगा ना भीड़ हो जाती है भाई है रेल कब आएगी तो ये कालका शिमला रेलवे लाइन के बारे में कुछ बता रखा है बंदर तो क्यों डरने लग रहे हो बंदर तो गया ऊपर चढ़ गया तो इसके बारे में बता रखा है पोज करके देख लेना मेरे को तो पता है भाई तो इस रेलवे स्टेशन पे यो इंतजाम भी काफ़ी अच्छा कर रखा है अगर बाहर ज़्यादा ठंड हो जाए तो अंदर बैठने की भी काफ़ी अच्छी सुविधा है यो इंजन कार है यहाँ पर स्पेशल बुक करवाई जा रहे हैं एक स्पेशल पार्टी के लिए मतलब के 20-25 लोग हैं ना आराम से इसको बुक कर सकते हैं बस थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा इन्होंने ये है इंजन कार बड़ी मस्त हो गया सिर्फ सिंगल यही है चले अन्नी छोटा इंजन देख ये कितना प्यारा है ये वहाँ पे म्यूजियम में भी था वहाँ पे एक डब्बा खड़ा भी है लेकिन हमने बाप का इंजन ही दिखा हुआ है अभी तक
वो शायद थोड़ी आगे और पाऊंगा, तो इतने टाइम है ना और बारिश भी होने लग गई, स्टार्ट हो गई है, तो हम यहीं के यहीं से ऊपर के रास्ते अब निकल लेंगे। ये सब टाइमिंग है, 5 ट्रेनें चलती हैं टोटल पूरे दिन में। ठीक है आती, तू बता कैसी है? पेट चेक कर इसका, स्टेशन मास्टर लग रहा है वो आती, MCO यहाँ टिकट कटा कर यार, बुकिंग ऑफिस है वो। तो बस गाइस यो था हमारा आज का व्लॉग, और उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा, हमने तो काफ़ी अच्छा लगा, पहली बार ऐसी जगह आए थे, एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। तो फिलहाल हम बाहर आ गए और बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो तेज़ बारिश होने से पहले हमें घर पहुंचना जरूरी है, लैंडस्लाइडिंग का भी काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है यहाँ पे। तो गाइस मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में, जय बाबा की, राम राम।